आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटे यमी और बहुत कम मेहनत में बनने वाले चटपटे रोटी रोल, या फिर आप इन्हें काठी रोल भी कह सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्याज और टमाटर को स्लाइसिस में लिया है, दो हरी मिर्च, चॉपकी हुई हरा धनिया, साथ में बिल्कुल थोड़ा सा हमने गर्म मसाला लिया है, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और यहाँ पर मैंने लिए है नायलॉन की सेव। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। स्टफिंग को हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाने वाले हैं, आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद सब्जियां या फिर मसाले भी डाल सकते हैं। अब रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा आटा आधा मैदा में नमक डालकर थोड़ी सी अजवाइन डालकर इस तरह से एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके हम एक मीडियम साइज़ के पेड़े कट करके इनकी रोटियाँ बनाएंगे। आधा आटा आधा मैदा मिक्स करने से ये बहुत ही लचीली सॉफ्ट और यमी बनती हैं। आप चाहे तो केवल मैदा से या फिर आटे का इस्तेमाल करके भी इन रोटियों को बना सकते हैं। अजवाइन डालने से ये पाचन में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि ये हैवी हो जाती हैं इस तरह की रोटियाँ, तो अजवाइन डालने से इनका स्वाद भी बढ़ता है और ये पाचन क्रिया में भी थोड़ी सी हेल्प करती हैं। तो बढ़िया से हमने मीडियम साइज़ की रोटी बना ली है, बहुत पतली मोटी ऐसी नहीं बनानी है, मीडियम साइज़ की बनानी है। तो अब बड़ी या फिर छोटी जैसी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से बेल लेते हैं। रोटी को हमने बहुत अच्छे से बेल लिया है, अब हम इसे तवे में सेक लेंगे। तो तवा गर्म होते ही हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको दोनों तरफ से सेकने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको पराठे जैसा सेक लेंगे। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये बढ़िया से हमारी फुली फुली रोटी बनकर जो है वो तैयार हो जाएगी। ये नाश्ता इतना झटपट से बनता है ना कि कभी भी आपको भूख लगी हो या आपके पास पहले से भी बची हुई रोटियां हो तो तब भी आप ये नाश्ता बहुत ही इंस्टेंटली बना लेंगे, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी रखेंगे ना तो ये उनको बहुत पसंद आने वाली है। तो हमारा एक पराठा तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के पूरे पराठे बना लेंगे जितने हमको बनाने होंगे। तो दोनों तरफ से ये चिट्टियाँ आने के बाद थोड़ा सा तेल लगा दें। अगर आपको तेल ज़्यादा लग रहा है तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम लगा सकते हैं। और दोनों तरफ से हमें अच्छे तरह से दबाकर सेकना है जिससे कि रोटी कहीं से कच्ची ना रह जाए। तो ये देखिए हमने रोटी को सेक लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे मेयोनीज। तो एक चम्मच हम डालेंगे इसमें मेयोनीज और साथ में डाल देंगे सॉस। आप चाहे तो चिली सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर शेजवान चटनी का भी। और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनेंगे। स्टफिंग में भी चाहे तो आप मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर इस तरह में बहुत ज़्यादा मेयोनीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर केवल रोटी रैप में ही इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर से जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो लगा देनी है। इस स्टफिंग में आप ककड़ी, चुकंदर ये सब भी डाल सकते हैं। मैंने बेसिक से घर में रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिसे बच्चे भी झटपट से बनाकर तैयार कर लें। तो स्टफिंग को आप ढेर सारा भर दें। इस तरह से बच्चे सैलेड भी खा लेते हैं और ये खाने में बहुत हेल्दी भी है। तो ये देखिए अब हमने ऊपर से थोड़े से सेव भी लगा दिए और इसको टाइटली रोल कर देंगे। तो हमारा एक ये रोटी रोल या काठी रोल बनकर तैयार हो गया है। है ना बहुत ही इजी, आसान और झटपट से बनने वाला नाश्ता। इसी तरह से हम और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस सिंपल सा मेयोनीज सॉस लगानी है, सभी में स्प्रेड कर देना है, और इसके बाद जो स्टफिंग लगाई है वो भर देना है। स्टफिंग आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो चाहे वो बना सकते हैं, पनीर वाली, यदि आपके पास उबले हुए आलू हैं तो आप उसे भी मसाले से मैश करके और इसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है ना ये बहुत ही झंझट फ्री, बहुत ही इंस्टेंटली बनने वाली और सबको टेस्टी लगने वाली रेसिपी है। किसी किसी को सब्जियां बहुत पसंद नहीं होती, आलू नहीं खाना होता है, तो मगर ये सैलेड वाली जो होती है ना वो सभी को पसंद आती है। और आप चाहे तो इसमें तेल घी का इस्तेमाल बिना करे भी सूखी रोटियों से भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए ये भी हमारा रोल बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से जितने रोल बनाना चाहें आप बना लें। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी यमी से रोटी रोल या काठी रोल। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हर बार आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नाश्ता, जिसे ना ही हमने बेसन से बनाया है ना ही किसी और भी इंग्रेडिएंट से, बहुत ही बेसिक से घर में रखे हुए सामान से बनाकर तैयार करेंगे।
कभी भी कोई मेहमान आए या आपको कुछ चटपटा खाना हो तो इसे आप झटपट से बिना किसी तैयारी के बना लेंगे। इसे बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर 1 कप मूंग दाल, तो इसे हमें रोस्ट करना है क्योंकि हम ये नाश्ता इंस्टेंट बनाने वाले हैं, तो जिसके लिए मूंग दाल भी हमारे पास सोक्ड नहीं है। तो अब हम ये नाश्ता कैसे बनाएं, और बेसन का इस्तेमाल भी हम नहीं करेंगे इस नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर मूंग दाल को हमें रोस्ट करना है जिससे कि इसका जो भी कच्चापन है वो निकल जाए, और जब इसे हम ग्राइंड करेंगे तो एकदम महीन सा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे ही हल्का सुनहरा सा रंग आने लगे तब हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नहीं भूनना है और ना ही बहुत हाई फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर भूनें धीमे धीमे, और इसके बाद ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसे मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लें। देखिए बहुत बढ़िया सा एक पाउडर बन गया है यहाँ पर, तो हमने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच के लगभग, ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर है। साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, तो नमक आपको जितनी आवश्यकता उस हिसाब से डाल दें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक थिक सा बैटर लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें और भी इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं तो पानी हमें मीडियम ही डालना है। तो बढ़िया सा मिक्स करते जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। कभी भी घर में कोई मेहमान आए या आपको कुछ चटपटा खाने का मन करता है और घर में कोई आपने पहले से तैयारी नहीं करी है, तो ये नाश्ता आप एक बार बना लेंगे तो हर बार आप इसी तरीके से बनाकर ट्राई करेंगे। तो देखिए 1 कप के लगभग हमने इसमें पानी डाल दिया है, मिक्सचर हमारा इस तरह से थिक है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर दाल पहले से सोक्ड नहीं है, इसको हम फुलाने के लिए डालेंगे मीठा सोडा, यानी खाने वाला जो सोडा होता है वो 2 चुटकी के लगभग डालेंगे। इस तरह से 2 पिंच आप डाल दें, इससे काफ़ी फ्लफ़ी बनेंगे, बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगे। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीठा सोडा डालना बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसकी जगह पर आप इनो का भी पैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं आधे सैसे के लगभग, जिससे कि ये फूल जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़क या फिर कच्चे नहीं रहने चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे स्लाइस किया हुआ 1 कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च कटी हुई, धनिया चॉप किया हुआ, साथ में ढेर सारा हमने लिया है 1 बंच पालक, और इसे अच्छे से वॉश करके हमने चॉप कर लिया है। पालक डालने से ये नाश्ता और भी टेस्टी, हेल्दी और यमी बनने वाला है। तो पालक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पालक के साथ सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्सअप करना है। तो यहाँ पर बनने वाले हैं मूंग दाल और पालक के टेस्टी यमी पकौड़े, तो जिसकी इंग्रेडिएंट आप बिल्कुल झटपट से रेडी करके बना सकते हैं। तो पालक के साथ सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्सअप कर देना है। यहाँ पर मैंने अपने मनपसंद बेसिक से मसाले डाले हुए हैं, आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार और भी मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा हो गया है एकदम रेडी, अब पकौड़े बनाने के लिए हो गए हैं तैयार। तो तेल को गर्म करेंगे और इस तरह से पकौड़ों को छोड़ते जाएंगे। तेल को हमने काफ़ी अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब इस तरह से आप बॉल्स बना लें, पकौड़े के शेप में बना लें, थोड़ा कम ही करके डालें क्योंकि एकदम डबल हो जाएंगे साइज़ में, तो आप एकदम भर के कढ़ाई में ना डाल दें, और नहीं तो जब आप इन्हें चलाएंगे तो फिर ख़राब हो जाएंगे या बिखर जाएंगे। तो जितनी कढ़ाई में स्पेस हो उसे थोड़े कम ही डालें, जिससे कि साइज़ अच्छे से डबल कर लें। देखिएगा एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे, बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे और साथ में ऊपर से क्रिस्पी। तो हमने कढ़ाई में डाल दिया है, 1 से 2 मिनट हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जब ये हल्के से नीचे से क्रिस्पीनेस हो जाए तब आप इन्हें टर्न करें। तो आप देख सकते हैं इनका जो साइज़ है वो अपने आप ही तेल में डबल होने लगा है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा सुनहरा सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है, इन्हें हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। बहुत ही बढ़िया से हमारे पकौड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे बाहर। तो देखिए कितने क्रंची और कितने यमी लग रहे हैं। इसी तरह से बाकी के हम और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी सारे हमारे पकौड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे टोमेटो सॉस में, टमाटर की चटनी में, दही में सर्व करें, बहुत ही यमी टेस्टी क्रंची पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। देखते ही खाने का मन कर रहा है इनको, तो जल्दी से जाइए और इसी प्रोसेस से आप इन टेस्टी यमी पकौड़ों को बनाकर तैयार करें, और कैसे लगे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और भी यमी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।